लेकिन ये बात और जोड़ना है इसमें फर्दर ले जाके कि इसमें शुद्ध राजनीति और ये बड़ी सोची समझी राजनीति है। ये ना तो तेजस्वी सूर्य अनपढ़ हैं और ना ही भोले हैं, ये बहुत ही जो शातिर शब्द सही इस्तेमाल किया गया। और ये मुझे लगता नहीं है कि इन्होंने अपने स्तर पर ही किया है, मुझे लगता है ये बड़े और लेवल से ये बात आई है और इनसे, और तेजस्वी सूर्य बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, आपने देखा होगा बहुत दिनों से प्रोमिनेंस में नहीं थे क्योंकि कोई इस दौरान कोई ऐसा इशू नहीं हुआ जिसमें ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कराए, जिसके लिए मशहूर है और जिसके लिए इनको माना जाता है पार्टी का स्पोक्समैन। तो इनको ये दिख गया और मुझे लगता है इनका कोई व्यक्तिगत या कोई कमर्शियल फैक्टर भी है फैब इंडिया के साथ, या तो कोई जो राइवल कंपनीज है फैब इंडिया की, फैब इंडिया को बहुत दफे बेस्ट रिटेल का अवार्ड भी मिल चुका है, बेस्ट रिटेल ब्रांड का। तो मुमकिन है कि कुछ इस तरीके की और जो ब्रांड्स हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं और जिनमें सूर्या का कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है किसी तरीके का, वो उसको वजह से इस फैब इंडिया को रन डाउन करने के लिए किया गया। अशोक बांगड़े ने बहुत अच्छी तरह से ये बात पॉइंट आउट करी कि जो उन्होंने ड्रेस की बात करी है वो तो किसी सूरत में कहीं से नॉन इंडियन नहीं दिखती है। अब ये अलग बात है कि तेजस्वी सूर्या क्योंकि पैंट शर्ट पहनते हैं और धोती नहीं पहनते हैं, तो हो सकता है, और जीन्स पहनते हैं तो हो सकता है वो चाह रहे हों कि ये जो महिलाओं के एड है इसमें भी जीन्स वाली लड़कियां हों, स्कर्ट्स वाली लड़कियां हों, तो शायद उनको इंडियन दिखता, वो अब नया नजरिया उनका हो सकता है, नजरिया बदल चुका हो, ये जस्ट मुमकिन। नहीं तो कौन अंधा आदमी सिर्फ बोल सकता है कि इंडियन ड्रेसेस नहीं है, और अंधे तो वो है नहीं, इसलिए नफरत में अंधे हैं टोटल इनका, बिल्कुल बिल्कुल नफरत में अंधे हैं। और इनका टोटल मकसद है हिंदू मुस्लिम डिवाइड। बीजेपी वैसे भी हर मामले में कोशिश करती है कि किस तरीके से, हम तो यू उत्तर प्रदेश में तो आए दिन देखते हैं जरा जरा सी चीज को हिंदू मुसलमान बना दिया जाता है। आपको ये तक ये जो मॉरल पुलिसिंग वाली बात अशोक जी ने उठाई, मॉरल पुलिसिंग के उदाहरण तो हमने उत्तर प्रदेश में बहुत देखे हैं, बहुत। अब ये तो इसको एग्रेवेट होने की आशंका आपको नहीं दिखती? नहीं, बिल्कुल दिख रही है। 22 का इलेक्शन की वजह से यहाँ पे इस तरीके की भी हरकतें बहुत सी होंगी कि बात बात पे हिंदू मुसलमान किया जाएगा, क्योंकि इनके पास जो फैक्ट है आज की डेट में धीमे धीमे इतना एक्सपोज होते जा रहे हैं कि चिल्ला चिल्ला के आपने बड़े बड़े विज्ञापन लगा दिए, चिल्ला चिल्ला के आप बोल रहे हैं कि साहब हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। ये जो झूठ का पुलिंदा है ये धीमे धीमे खुल रहा है लोगों को, आप कितना भी बोलिए एक लिमिट होती है झूठ की कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जब वो नहीं दिखेगा तो उसको कवर अप करने का क्या तरीका है? एक तरफ इनको लग रहा है कुछ जातियां हट रही, तो पूरा जोर इस पे हो गया है कि किस तरह से इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके पोलराइज कर लिया जाए, क्योंकि और कोई सूरत नहीं है इलेक्शन जीतने की। तमाम मामले, कोरोना का मिसमैनेजमेंट, किसानों के साथ जो हुआ लखीमपुर में जिस तरह कुचल दिए गए वो हुआ, जिस तरह रेपिस्ट को प्रोटेक्ट किया गया रूलिंग पार्टी द्वारा, चाहे वो सेंगर का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे शाहजहांपुर का मामला हो, इन सारी चीजों पे पर्दा डालने के लिए, क्योंकि घूम फिर के मामले उठेंगे, वापस आएंगे, और तो उनको दबाने के लिए क्या तरीका है कि हिंदू मुसलमान कर दो, हर चीज को घुमा फिरा के हिंदू मुसलमान कर दो। आज की डेट में जो इन्होंने हिंदू मुसलमान करके 2014 में जो जबरदस्त जीत हासिल करी थी मुजफ्फरनगर दंगा करवा के, आज की डेट में वहां जो जाट और मुसलमान उस जमाने में अलग हो गए थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए थे, आज वो वापस एक बार फिर एक साथ हो गए। इनके लिए क्वेश्चन बहुत बड़ी बड़ी भारी भरी हो गई है, और उसी के साथ साथ किसानों का आंदोलन शुरू हो गया वहां पे और वो साल भर से चल रहा है। तो इनके लिए इस वक्त तक इतने बौखलाए हुए हैं, इनके समझ में नहीं आ रहा है। उसी में ये लखीमपुर हो गया, तो आज की डेट में बीजेपी के पास कोई और तरीका नहीं दिखता है। तो ये सोच भी हो सकता है इन्होंने यही तय किया हो कि तेजस्वी सूर्या को लगाते हैं कि एक कोई नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दे जिसका सारा लोगों का अटेंशन उधर चला जाए, और इन द बार्गेन ये या तो ये वजह है या फिर फैब इंडिया से कोई इनको अपने स्कोर सेटल कर दे। यही तो जिस तरीके का इन्होंने करा है, पूरा मकसद इसके पीछे है मुसलमानों को निशाना पिलाओ और दिखाओ कि साहब हम कितने बड़े हिंदू हैं। इनको और चीजों से कोई हिंदू सेंटीमेंट हर्ट नहीं होते हैं, रेप होते रहे उससे हिंदू सेंटीमेंट हर्ट नहीं होते हैं, काला बाजारी हो उससे हर्ट नहीं होते हैं,
रिश्वतखोरी हो, कभी मैंने नहीं सुना तेजस्वी सूर्या को बोलते हुए कि रिश्वतखोरी खराब है। उससे हिंदू सेंटिमेंट हर्ट नहीं होते, मिलावट से नहीं हर्ट होते, बच्चों के साथ अत्याचार होते नहीं होते, महिलाओं के साथ अत्याचार होते, इससे हर्ट होते हैं, इनके सेंटिमेंट की बिंदी नहीं लगी। वाह। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।